नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से वीडियो लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा फायर इमरजेंसी। दोस्तों फायर इमरजेंसी आया था, मैसेंजर आया था, तो दोस्तों वो वाला मैं आप लोग को आज इस वीडियो में अप्लाई करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अप्लाई कैसे करें मैं आप लोग को सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। प्रोसेस मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बिना स्किप करके अंत तक देखते रहना और बने रहना दोस्तों। जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी देखने को मिलते रहेगा और पूछते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल बटन पर सिंपली से क्लिक करके आप लोग को लॉगिन कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों चलो मैं फटक से मैं आप लोग को हिसाब से मैं आप लोग को लॉगिन कर लेना, आप लोग को भी आपको हिसाब से लॉगिन कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने फाइनली लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में अप्लाई करके दिखाने वाला दोस्तों, ये वाला नंबर वन वाला मैं आप लोग को प्रोफाइल खोलने के बाद इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग को अप्लाई करने से पहले आप लोग को वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से कार्य ऑप्शन नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इसलिए अच्छा से वीडियो देने के बाद आप लोग को खुद ही अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसलिए जरूर ये वीडियो देख लेना, उसके बाद आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हम फेवरेट वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में देखने को मिलते रहेगा और पूछते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रोफाइल खोलने के बाद जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस स्टेप में इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को ये वाला फॉर्म अप्लाई करके दिखाने वाला दोस्तों, फायर इमरजेंसी वाला। तो दोस्तों जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लेना दोस्तों। उसका बाद अप्लाई करने के लिए अप्लाई बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरफ से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है दोस्तों, डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट तो यस कर देना। इस पर आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट ए बी सी सर्टिफिकेट है वो आपको हिसाब से सिलेक्ट कर देना, क्योंकि मेरे पास एनसीसी नहीं इसलिए नो कर दूंगा दोस्तों। उसके बाद इसमें फिर से बोला गया, डू यू हैव ऑब्टेन पास मार्क फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। इसमें बोला गया है, ये तो साइंस स्टूडेंट ही पूछा गया है दोस्तों। चलो मेरे पास नहीं है दोस्तों, ये छोड़ लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोग को नंबर थ्री में गया, डू यू हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए यस कर दूंगा। उसके बाद इस तरफ से आप लोग को इंटरव्यू देंगे, आपका एच एम वी एम एम वी एल एम वी का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। चलो मेरे पास तो एल एम वी का सर्टिफिकेट है दोस्तों, इसलिए मैं एल एम वी सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे सिलेक्ट कर दूंगा दोस्तों, इस पर आप लोग को डॉक्यूमेंट जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना होगा दोस्तों। इसमें 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसमें भी दिया गया है दोस्तों। चलो दोस्तों उसके बाद इसमें अगर आप डू यू हैव कारपेंटर आईटीआई कोर्स, आपके पास अगर आईटीआई का कारपेंटर सर्टिफिकेट में कोर्स के तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, क्योंकि मेरे पास आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं इसलिए नो ही कर दूंगा दोस्तों। दोस्तों उसके बाद इसमें आर यू ए ट्रेन होमगार्ड ट्रेनिंग होमगार्ड हैविंग 3 years और मोर साहब, इसमें बोला आपके पास अगर होमगार्ड ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है तो 3 years से ज्यादा आपको इस पर यस कर देना। यस करने के बाद आपको इस पर भी सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। चलो मेरे पास तो आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं इसलिए मैं नो ही कर दूंगा दोस्तों। इसमें फिर से बोला गया दोस्तों, हैव यू पास, देख सकते हो दोस्तों इसमें भी बोला हैव यू पास क्लास 12 इन साइंस स्ट्रीम। इसमें बोला गया आप क्या क्लास 12 में क्लास साइंस स्ट्रीम में आपने क्लास 12 पास किया है, वो आपको यस और नो डाल देना। चलो मेरा तो क्लास 12 साइंस में पास है इसलिए यस कर दूंगा। उसके बाद इस पर सिलेक्ट करना होगा, यस करना होगा दोस्तों आपको। उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट इस पर अपलोड करना होगा दोस्तों, पास सर्टिफिकेट का, आपको जो भी पास सर्टिफिकेट हो आपको मार्कशीट आपको इस पर क्लास 12 का अपलोड करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें भी चलो मैं अपलोड कर लेते, जैसे आप लोग बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो भी हो आपको हमने सिलेक्ट किया वो आपको डालना होगा दोस्तों डॉक्यूमेंट। चलो मैं फटाक से डाल लेता हूँ दोस्तों देख सकते हो मैंने जो भी हमने ड्राइविंग लाइसेंस क्लास 12 पास मैंने सर्टिफिकेट अपलोड करे। उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है दोस्तों, सेव एंड प्रोसेस बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे सेव एंड प्रोसेस बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं क्या कौन सा मैंने उसमें मैं एलिजिबल दोस्तों, फायर इमरजेंसी रिस्कर फायर इमरजेंसी में मैं एलिजिबल हूँ। इसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर एपीआरओ पोस्ट में, उसके बाद कांस्टेबल डिस्पैच राइडर एपीआरओ में, उसके बाद कांस्टेबल मैसेंजर एपीआरओ में मैं एलिजिबल हूँ दोस्तों। जो भी हो इसमें चार में से मैंने एलिजिबल है, इनमें से कौन सा मैं आप लोग को फर्स्ट प्रीफरेंस सेकंड प्रीफरेंस थर्ड फोर्थ में आप रख सकते हो दोस्तों। चलो दोस्तों आपको भी आपको हिसाब से रख लेना, चलो मेरा हिसाब से मैं रख लेता हूं। उसके बाद इस तरफ से आप लोग को सिलेक्ट करना होगा दोस्तों, इस तरफ से अलग अलग से आप लोग को सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। जैसे सिलेक्ट करोगे दोस्तों इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप लोग को सारी आप लोग को सिलेक्ट करना होगा दोस्तों एक एक कर से। देख सकते हो मैंने सारी बात दिया। उसके बाद दोस्तों फिर से सेफ एंड प्रोसेस बटन पर सिंपली से क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे सेफ एंड प्रोसेस बटन पर क्लिक करोगे दोस्तों फिर से इस तरफ से इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर जो भी आपने फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड अगर चेंज करना चाहते हो फिर भी चेंज कर सकते हो दोस्तों, लेकिन मेरा तो ऑलरेडी है, चेंज नहीं करना चाहते। इसलिए डायरेक्ट इस पर नीचे आके डायरेक्ट इस पर आप लोग को प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है तो इस पर टिक मार्क कर देना। ऑटोमेटिकली पहले आपने अप्लाई हुआ था ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इस पर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपली इस बटन पर टिक मार्क कर लेना। जैसे टिक मार्क करोगे तो इस तरफ से इंटरफेस देखने को मिलेगा, सेफ एंड प्रोसेस बटन पर सिंपली से फिर से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे सेफ एंड प्रोसेस बटन पर क्लिक करोगे दोस्तों क्लास 10 और क्लास 12 डिटेल फिर भी आ जाएगा। अभी तक चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज 24 सकते हो दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर से सेफ एंड प्रीव्यू ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों, इसमें कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फाइनल सबमिशन करने से पहले ऑलरेडी फॉर्म बन चुका है, फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को अच्छा से देखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलो मैं फटक से अच्छा से मैं देख लेता हूँ फाइनल सबमिशन करने से पहले।
तो दोस्तों मैंने अच्छा से मैंने भर दिया, उसके बाद चलो कंफर्म बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे कंफर्म बटन पर क्लिक करोगे तो फिर से इस तरफ से इंटरफेस आएगा, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ओके बटन पर क्लिक करोगे आपका रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, वो आपको डालना होगा दोस्तों। तो चलो मैं फटाक से डालता हूँ। तो दोस्तों मैंने भर दिया ओटीपी, उसके बाद सबमिट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों अप्लाई बन सकोगे। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म एक्नॉलेज फॉर्म लेने के लिए दोस्तों इस पर एक्नॉलेज बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे एक्नॉलेज बटन पर क्लिक कर देने के बाद इस तरफ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो फिर मेरा फॉर्म फाइनली अप्लाई हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को भी अप्लाई कर सकते हो, आप साइबर जाने की कोई जरूरत नहीं लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ लाइक करके भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इन द गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी देखने को मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। तो दोस्तों जब नेक्स्ट में क्या क्या होने वाला है आप लोग को, जब नोटिफिकेशन नया नया आएगा अपडेट आएगा मैं आप लोग को इसी चैनल में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना दोस्तों, जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।